एफिशिएंसी शुड बी 100% व्हाइल स्टडिंग. फर्स्ट रीडिंग में तुमको इतना कंसाइज रीडिंग करना है कि तुमको पता होना चाहिए कि एग्जाम के डेढ़ दिन पहले मेरे को क्या पढ़ना है. जो तुम्हारा फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लैरिफाई कर देने चाहिए. और जब तुम सेकंड रीडिंग पे जाओगे डाउट आना ही नहीं चाहिए. हाईलाइट कर लो, आर मार्क करो वो क्वेश्चंस जो तुमको रिवाइज करने हैं सेकंड और थर्ड रीडिंग में, और एग्जाम के डेढ़ दिन पहले वही पढ़ना है सिर्फ. इफेक्टिव स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट देन लॉन्गर आवर्स ऑफ स्टडी, बिकॉज दिस इज अ कोर्स वेर इन यू हैव टू मेमोराइज थिंग्स एंड ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इन योर प्रैक्टिकल लाइफ एंड इन द पेपर ऑल्सो. सो लाइक स्टडिंग इफेक्टिवली फॉर 10 आवर्स इन अ डे इज मच बेटर देन स्टडिंग फॉर 12 आवर्स विद अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन. Efficiency and effectiveness, these are the two things which are going to matter the most. Yes. So, वो तुमको sacrifices और distractions आने ही वाले, external forces जो है, it is up to you. एक बार तुमने decide कर लिया तुमको ये चीज करनी है ना, तो कोई भी distractions आ जाए तुम लोग वो avoid कर सकते हो. No matter what people say, no matter what external distractions come in your life.